हाथरस की गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं आधी रात को हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार को लेकर योगी सरकार बुरी तरह घिरी है। इन सब हलचल के बीच अब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान हैं और हड्डियां भी टूटी हुई हैं। सफदरजंग अस्पताल के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया, पीड़िता की मौत का मुख्य कारण विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि रिपोर्ट में गले पर चोट के निशान का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में पीड़िता के गले पर चोट के निशान की बात कही गई है, साथ ही गले को दबाने का मामला भी सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ एक बार नहीं, कई बार गला दबाने की कोशिश की गई। पीड़िता की ओर से कई बार बचाव की कोशिश की गई, इस वजह से गर्दन की हड्डी भी टूट गई। फिलहाल अभी विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद इस बात की पुष्टि की जाएगी कि मौत का कारण क्या रहा। पीड़िता के जो पीएम रिपोर्ट है उसमें मौत के कारण में पहली बार तो विसरा फ्रैक्चर कर लिया है, उसके रिपोर्ट विसरा की दबाई और दूसरा जो उसके गर्दन के जो चोटे हैं उसके कारण जो इशू हुआ वो उसके मौत के कारण की वजह अभी प्रोविजनली उन्होंने बताया। सर दुष्कर्म के मामले में कोई अपडेट आया है? देखिए जो मेडिकल कॉलेज अलीगंज में है की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने ये कहा कि जो दुष्कर्म की पुष्टि वो तभी करेंगे, उन्होंने कोई उसमें फर्म ओपिनियन देने से मना किया, वो पुष्टि या नो पुष्टि तब करेंगे जब उनको एफएसएल की रिपोर्ट मिल जाएगी। एफएसएल की रिपोर्ट मंगवाने के लिए हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, आज ही स्पेशल मैसेंजर से अभी फिलहाल पुलिस उन्हीं धाराओं में विवेचना बढ़ा रही है। जी हाँ, विवेचना उन्हीं धाराओं में 305 और 302 धाराओं में। गौरतलब है कि 14 सितंबर को हाथरस के एक गांव में दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत काफी खराब हुई और दिल्ली शिफ्ट किया गया, जहाँ सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद युवती के शव को हाथरस लाया गया, जहां पर जबरन पुलिस के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं योगी सरकार की ओर से पूरे केस की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जो हाथरस पहुंच चुकी है और एसआईटी को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट।